आत्मां विद्युर्विषयान् प्राश्यभोगान् सहिष्ठान् पश्चाचन्यान् शमभिर्विभवान् ज्योतिषाशेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनर्विशनै स्वात्मनिष्ठापयित्वा सर्वान् विशेषान् विगत गुणगण पादशौ नमस्तु लीय। स्वाप्निक वस्तु जैसा मिथ्या हो जाए विषय आ गए वस्तु जैसे केवल चित्त काल में हमको मन में जितना देर तक है वासना तब तक हमको दिखाई पड़ते हैं और कुछ चित्त वासनाओं को हम क्या करते हैं कि इंद्रियों के माध्यम से बाहर ला करके अपनी आप हम उसको देखते रहते हैं। तो वहाँ पे उसको उसी के चंबक की हाँ वहाँ पे बैठे तो वहाँ पे माइक है ना नहीं हाँ काम नहीं करता बाहर वाला नहीं वहाँ चलता नहीं इसको आगे कर दे माइक्रोफोन और थोड़ा उठा देंगे तो अच्छा ठीक ठीक है देखता भी रहने दीजिए थोड़ा उठ गया जागृत वस्तु भी ऐसे ही सपने की तरह मिथ्या है ऐसा वेदांतियों का निश्चय है। तो हेतु क्या दिया था कि जो वस्तु जिस स्थान में देखना उचित नहीं है अथवा देखना संभव नहीं है वहाँ पर यदि दिखाई दे तो वह मिथ्या इसका स्वयं निश्चय करते हैं। तो पहले दिखाई दे स्वप्न में हम क्या करते हैं घर में कमरा बंद करके सोते हैं और हमारी अंदर की नाड़ियों में हमको बड़े बड़े हाथी पहाड़ नदी सब दिखाई पड़ते हैं जो उचित देश नहीं है। फिर हमको दिखाई पड़ता है कि 3-4 साल तक 30-40 साल पहले की जो घटना हमको दिखाई पड़ता है अंत हम तो 3-4 सेकेंड हो सोया कि हम 30-40 साल घटना दिखाई पड़ता है अदीर्घ देश अदीर्घ काल। और फिर जो है कुछ संवादी प्रमाण उसको पुष्ट करने के स्वप्निक वस्तु देखा कुछ प्रमाण भी नहीं मिलता। जिन लोगों से मैं मिल के आया उनके जाके पूछता हूँ कि भाई कल मिले थे रात को भी लोगों से मना करते नहीं मिला था। ये मुख्य मतलब कारण है मुख्य कारण में शब्द प्रयोग किया दृश्यत्वा दृश्यता मतलब जहाँ पे दृश्य और दृष्टा भेद है अथवा जहाँ पे ग्राह्य ग्राहक भेद है वस्तु मिथ्या यानी कि प्रमाता जब प्रमाण के द्वारा प्रमेय वस्तु का ज्ञान उत्पन्न होता है प्रमिति होता है वेदांतिक सिद्धांत के अनुसार वो भी पारमार्थिक कहते हैं।
क्योंकि वस्तु पारमार्थिक वहाँ पे है नहीं, अपने मन की ही वासना के माध्यम से बाहर वस्तु दिखाई पड़ता है और संस्कार के कारण बाहर वस्तु दिखाई पड़ता है। तो बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये तो सात्विक वस्तु कोई प्रयोजन को मिटा नहीं पाता, जागृत वस्तु कुछ प्रयोजन को मिटाते हैं। हमारा उत्तर है कि जिस स्वप्न काल में सात्विक वस्तु जो सात्विक प्रयोजन है उसको मिटा पाता है, जागृत काल में काम नहीं है। इसी प्रकार जागृतकालीन वस्तु भी जागृतकालीन प्रयोजन को मिटाते हैं, स्वप्न काल में उसका प्रयोजन सिद्ध नहीं है। यानी कि एक दूसरे को व्यभिचार करते हैं, इस कारण से भी मतलब जागृत वस्तु पालन कर सकते हैं। और क्या है संस्कार जन्य, संस्कार जन्य या स्वप्न हम देखते हैं अपनी जन्मांतरीय संस्कार के कारण, वासनाओं के कारण स्वप्न देखते हैं। इसी प्रकार जागृत काल में बैठ के भी हम उतना ही मात्र संसार को अधिक देखते हैं जिस जहाँ पर हमारी वासना से जुड़ी हुई है। फिर पादी बोलते हैं कि ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आपने सभी को बोल रहे हैं मिथ्या, तो आप जो है ये सत असत का विभाजन कैसे करें। बोलते हमारे लिए सत असत का विभाजन इतना ही मात्र जगने के बाद जिस समय व्यवहार कर रहा हूँ उस समय सत असत विभाजन रहता है, और जागृत में जैसा सत वैसा असत वस्तु एक ही कैटेगरी में, जैसे तुझको तुम सत बोल रहे हो तो व्यक्ति एक ही कैटेगरी में, गंगा जल हो चाहे मरुभूमि के पानी की में भ्रांति हो, दोनों की कैटेगरी जब हम जग जाते हैं है ना, तो सब हमारे लिए एक ही प्रकार। आत्मा के प्रति जागृत होने पर, जिस प्रकार स्वप्नों से जागृत होने पर हमें क्या होता है, सात्विक वस्तु चारा चाहे वो चित्त में दिखाई दे चाहे बाहर दिखाई दे, मिथ्या ही मानते हैं। ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी मिथ्या है वो वस्तु। मिथ्या की परिभाषा मतलब वस्तु नहीं है ये बात नहीं है, वस्तु है प्रकृति होती है, परंतु क्या होता है कि रहता नहीं है, जब हम पकड़ने जाते हैं तो हमको जाता तो पकड़ना है। इस रूप में जिस प्रकार रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा है सर्प, सर्प की प्रतीति हो या माना नहीं कर रहे तो अधिष्ठान है वहाँ पे, परंतु है वहाँ पे रज्जु, हमें प्रतीति क्या होता है सर्प। ठीक इसी प्रकार संपूर्ण पूर्ण व्यापक एक शुद्ध चेतन तत्व, मतलब एक व्यापक असंख्य चेतन तत्व विद्यमान है, उसमें किसी भी प्रकार का विकार अथवा परिणाम होना संभव ही नहीं है। फिर भी हमें नाम रूपात्मक विकारी वस्तु उसी के ऊपर दिखाई दे रहा है ना, जो जहाँ पे जो देखना संभव नहीं है वो दिखाई दे रहा है। तो हम कब इसको समझ पाएंगे, अनादि माया सुप्त जदा जीव प्रबुद्ध अजम अनित्रम अस्वप्न अद्वैतम बुद्ध, जैसे माया निद्र से जब हम जगेंगे तब हम की सच्चाई समझ में आएंगे। इस युक्ति पर फिर एक और युक्ति दे रहा है पूर्ववादी कि आप देखो कि सात्विक वस्तु का प्रत्यभिक नहीं होता परंतु व्यवहारिक वस्तु का प्रत्यभिक होता, इसलिए व्यवहारिक वस्तु और सात्विक वस्तु एक नहीं है। ये जो इसको लेकर के कल इस श्लोक के ऊपर विचार चल रहा था, कल्पति चित्त काला ही अंतस्तु दय काला चले वही कल्पिता एव ते सर्वे विशेषो नानहेतुः। ये कल्प सर्वे में अथवा ते में कौन सा विभक्ति वचन है, प्रथम बहुवचन है, तो वहाँ पे तो प्रथम सर्वाधिगम में है, इसीलिए जसकोशी हो जाए जसोशी हो गया तो शिकार लोप हो जाता है, ये बात है ते सर्वे। ठीक है सामान्य तो वहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो चित्तकाल का अंदर में जो वस्तु रहता है वो केवल चित्तकाल में है, और बाहर में जो वस्तु है वो क्या कहता है दो काल वाला है, मतलब चित्तकाल में भी है चित्त से भिन्न काल में, जब मैं नहीं देखता उस समय भी है, इसीलिए बाद में प्रत्यभिज्ञा भी होती है। इस प्रकार से इसलिए कि आपको ये कथन सही नहीं है, पूर्ववाद ऐसा कहने पर सिद्धांत बोलते हैं चाहे आपको थोड़ी देर दिखाई दे चाहे कम समय दिखाई दे, परंतु हेतु क्योंकि दृश्य हेतु बैठा हुआ है इसलिए जो है वो मिथ्या ही। जिस प्रकार देखिए शाम के वक्त मैं कहीं से आ रहा हमको रास्ते में चोर अथवा सर्प को भ्रांति हुई, अब हम उसको मिटा नहीं पाए, अब हमारे मन में चलता रहे कि नहीं चलता रहे, वही चलता रहे लगेगा कोई वस्तु शाम पकड़ने आ रहा है मिल जाए, और जब तक न भ्रांति मिटते है तब तक वो भ्रांति वस्तुओं को पकड़ के बाहर करें। यहाँ भी ऐसे ही हो रहा है, जब तक हम आत्मा पर प्रति नहीं जगेंगे जागतिक वस्तु सत्य जैसे पति तो वही वस्तु में देख जल्दी कोई वस्तु में कितना परिवर्तन हो जाता है, परंतु हमारी आँख में उतना शुभ वस्तु पकड़ने का सामर्थ्य नहीं। इसीलिए हमें वेदांति बोलते हैं कल्पिता एवं सर्वे विशेषण अन्न हेतु का, वहाँ पर कोई विशेषता उसके लिए वो मतलब प्रत्यभिक का हो रहा है इसीलिए सत्य होगा ये बात नहीं है। ये व्यक्तित्व को कहाँ दिखाई दिया, जो प्रत्यभिज्ञा जिसकी प्रत्यभिज्ञा होती है वो वस्तु सत्य होते व्यक्तित्व को कहाँ दिखाई दिया क्या,
कई वस्तु ऐसे सत्य प्रतिविज्ञा होती है परंतु वहाँ सत्य नहीं होता, व्यभिचार स्थान तो कहीं दिखाई देगा। प्रतिविज्ञा जैसा कल सुबह मैं जिस बार मरुभूमि में हमको पानी दिखाई दिया था, आज पूछ करके उसे चाक्षुकता दिखाई दे, हम हमने अपनी भ्रांति को मिटाया नहीं, हमें भी लग रहा अभी भी पानी है, और कल का जो देखा था उसी को आज भी देख रहा हूँ, परंतु क्या वहाँ पर कोई पानी आ गया क्या? इसी पे जब तक हम आत्मा के प्रति जागरूक नहीं होंगे तब तक हम के नाम रूपात अर्थ क्रिया कलित आत्मा की जगत हमको दिखाई देगा। कल देखिए यहाँ तक हमने पढ़ लिए थे, टीका में आत्म अविद्या विवर्तेन चित्तेन तावत अंतर विनिर्मिता मनोरथ रूपा मनुष्य अंतर वर्तमाना वही रज्जु सर्पादयश्च ते चित्तेन एव परिच्छिद्यते। आत्म अविद्या विवर्तेन मतलब आत्मा की अविद्या के परिणाम के फलस्वरूप, मतलब आत्मस्वरूप अधिष्ठान तत्व के ज्ञान नहीं होने के कारण चित्तेन चित्त के द्वारा तावत पहले अथवा निश्चित अंतर विनिर्निर्मित अपना संस्कार के अनुसार वो अपने विशेष रूप में जो निर्माण कर रहा है विनिर्मित मनोरथ रूप है कल्पना मात्र है, मनुष्य अंतर वर्तमान मन के अंदर ही रहते हुए वही बाहर रज्जु सर्प कि देखिए जहाँ पर हमको रज्जु में सर्प भ्रांति हो, सुक्ति का रजत भ्रांति हो, अथवा स्थान में पुरुष भ्रांति हो, सामने तो ठूंठ अथवा सामने में रज्जु पड़ा हुआ है, सांप अथवा रजत अथवा सुक्ति का अथवा चोरी हमारे बुद्धि में बैठी हो, ये दोनों का मिलना देते हैं, जो जिसको मिलना संभव ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि वर्तमान वही रज्जु सर्पादय बाहर में जो रज्जु को ऊपर दिखाई दे रहा सर्प ते चित्ते ने वह परिच्छिद तो मन के द्वारा ही परिच्छिदित हो रहा है, वो मन में बैठा हुआ है, हमको लग रहा है कि बाहर प्रतीति हो रहा है ना, है वहाँ कोई अन्य वस्तु रज्जु बैठा हुआ है बाहर कोई वस्तु नहीं है, मैं नहीं बोल रहा बाहर वस्तु है कुछ, परंतु वो भिन्न रूप में हमारे सामने प्रतीति होता है, क्यों हमारे संस्कार उस प्रकार से हमको देखने में मजबूर होता है, जैसे डर अथवा राग अथवा देश बैठा हुआ तब हम पूर्ण वस्तु को देखते हैं, इसके लिए परिचित है, यहाँ तक कल हमने पढ़ ली ते ही कल्पना काल मात्र भाविन न प्रमेयते, जो अंदर वस्तु है ना वो केवल मात्र कल्पना काल मात्र के द्वारा ही परिचित विद्यमान रहता है ना, प्रमेयते प्रमाण के द्वारा उसको नहीं जाना जा सकता, प्रमेयंती हम तो बहुवचन में ते भाव बहुवचन में प्रमेयंती ठीक प्रमेय तो उसको प्रमाण के द्वारा नहीं मापा जा सकता, ते न प्रमेयंती उसको प्रमाण के द्वारा नहीं मापा जा सकता, तई सह वैलक्षण मनस वही जागृत दिशा भावना अनन्य परिच्छेद काल द्वय व्यवच्छिन्न तेन प्रत्यभिज्ञा अगोच प्रत्यभिज्ञा गोचरत्म इति यस्मात् उपलब्ध्यते तस्मात् अयुक्तम जागृतस्य स्वप्नवद् मिथ्यत्वम् इति अर्थे पूर्वादि पूर्ववादी वाक्य को आनंद गिर अनुवाद करके दसमात चित्तकार कल्पित मनोरथादि लक्षण चित्त परिचित वैलक्षण बाह्यान अनन्य परिच्छेद तभी जो पंक्ति भाष्यकार की पंक्ति है इस पंक्ति को टीका करने की है, पहले तो मूल का अर्थ कर दिए थे, अब जो टीका भाष्यकार की दसमात चित्त परिकल्पित मनोरथादि लक्षण चित्त परिच्छेद वैलक्षण बाह्यान अनन्य परिच्छेद तभी जो यहाँ तक जो भाष्यकार की पंक्ति है उसका अर्थ लिखना है, ते ही कल्पना काल मात्र तही सह तो बोलिए ते मतलब सब स्वप्न भाव तही सह वैलक्षण मनसो वही जागृत दृश्यमान भावना अस्वप्नी वस्तुओं के साथ मन जो मन में केवल मात्र कल्पित होता है और वही जो बाहर प्रोजेक्ट होता है थोड़ा विलक्षण होता है, वही जागृत जागृत दृश्यमान बाहर में जागृत काल में जो वस्तु दिखाई पड़ते हैं उन वस्तुओं का भावना दृश्यमान भावना अन्यान्य परिच्छेद दत्तम अन्यान्य परिच्छेद मतलब भिन्न भिन्न काल के द्वारा परिच्छिन्नित है, भिन्न भिन्न काल के द्वारा एक हो गया आपका मन मन जिस समय सोचता है वो एक काल हो गया और फिर बाहर जिस समय देखा दूसरा काल हो गया, हम स्वप्न देख रहे थे रात में और फिर बाद में उठ करके हमको दिन के समय यहाँ आके वही वस्तु मान लीजिए दिखाई देते हैं, तो दो अन्य अन्य परिच्छेद काल अन्य परिच्छेद वो काल अलग था एक अलग, इसके मतलब अन्य अन्य परिच्छेद दत्तम अन्य अन्य समय के द्वारा काल के द्वारा भिन्न भिन्न काल के द्वारा परिच्छेद दत्तम उसमें परिच्छिन्न होने का योग्यता आया, इसे क्यों काल द्वय अवच्छिन्न न यहाँ पे दो प्रकार दो काल के द्वारा अवच्छिन्नित होने के कारण मतलब एक बार पहले देखा था और उसी दूसरा काल में उसी वस्तु को दिखाई देता है, दो काल के द्वारा अवच्छिन्नित होने के कारण काल द्वय अवच्छिन्न न
प्रत्यभिज्ञा गोचरत्म, वो हमारी प्रत्यभिज्ञा मतलब दोबारा उसको देखना, किसी प्रकार पहचानना, उसको प्रत्यभिज्ञा बोलते हैं। पहले किसी वस्तु को देखा हुआ है, किसी वस्तु को दोबारा जब हम पहचानते हैं जानते हैं उसको प्रत्यभिज्ञा बोलते हैं, इसलिए होता है प्रत्यभिज्ञा गोचरत्म, वो प्रत्यभिज्ञा का विषय बन जाता है। जस्मात उपलब्धते, इस प्रकार से क्योंकि वो जो बाहरी वस्तु दो बार तीन बार उपलब्ध होता है, तस्मात इसलिए अयुक्तम, इसलिए ये कहना युक्ति संगत नहीं है। क्या जागृत स्वप्नवत मिथ्यात्म, जागृत वस्तु स्वप्न की तरह मिथ्या है, ये कहना युक्ति संगत नहीं है। पूर्ववादी अपने पक्ष में युक्ति दे रहे हैं, ठीक है। शुरू से ते कल्पना काल मात्र तही सह वैलक्षण, मतलब वो स्वाप्निक भावा के साथ जो विलक्षणता है, क्या बहिर्जगत की मनुष्य बहिर्जाग्रत दृष्टमाना भावाना, बाहर जो दिखाई दे रहा है जागृत में विद्यमान वस्तुओं का, वो क्यों वो भिन्नता क्यों है? जो मन के अंदर है केवल चित्तकाल के द्वारा ही परिच्छि होता है, बाहरी वस्तु के द्वारा चित्तकाल के द्वारा ही परिच्छि होता है, अन्नकाल के द्वारा ही परिच्छि होता है, बार बार प्रतिभिज्ञा जैसा होता है, इसलिए बोलते हैं परिच्छिदत्तम काल दल अवच्छिन्न तेन प्रत्यभिज्ञा गोचरत्तम इति अस्मात् उपलब्धते, इस प्रकार से वो दो तीन बार उसको उपलब्धि होते, इसलिए तस्मात् अयुक्तम जागृत स्वप्नवत मिथ्यात्म, इसलिए जागृत जो स्वप्न की तरह मिथ्या है ये कहना युक्ति संगत नहीं है। काल की प्रत्यभिज्ञा होती है, वस्तु की प्रत्यभिज्ञा होती है, देश की प्रत्यभिज्ञा होती है। कल सुबह 7 से 8 बजे तक हम लोग विकास कर रहे हैं, आज भी वैसे तो काल की प्रत्यभिज्ञा नहीं हुई, और फिर इसी जगह पर कर रहे थे उसी देश की प्रत्यभिज्ञा भी हो रही है, और फिर क्या वस्तु जिस वस्तु को कल कर रहे हैं तो उसी विषय का ऊपर विचार कर रहे हैं, तो काल वस्तु पर काल दोबारा हुआ, मतलब काल की प्रत्यभिज्ञा हुई, वस्तु की प्रत्यभिज्ञा, विषय की स्थान की प्रत्यभिज्ञा, इसलिए इसको आप मिथ्या कैसे हो, ये मिथ्या होना संभव है, सब प्रकार से ये पूर्ववादी है, ये पूर्ववादी है। तो बोलते हैं कि आप जो है ये प्रत्यभिज्ञा जहाँ पे होगा वहाँ पे सत्य होगा, वस्तु ये कहाँ पे देखा, सत्यत्व का तो परिभाषा ये है कि त्रिकाल अबाधत्तम सत्यत्व, ठीक है। आप जो है कि 2 महीना 3 महीने यहाँ पे देख रहे हैं, इससे पहले यहाँ पे नहीं था, उसका आगे भी नहीं जाएगा, थोड़ा थोड़ी देर तक समय अधिकतम दिखाई दे इसलिए वस्तु सत्य हो जाएगा, कम समय दिखाई दे इसलिए वस्तु मिथ्या होगा, ऐसा तो हमने नहीं बोला। दृश्यत्व धर्म जहाँ पे रहेगा वहीं मिथ्या होगा, देर दिखना कम समय दिखना इसको असत्यत्व मिथ्या पर निर्भर नहीं करता, दिखने मात्र से ये मिथ्या है, इस प्रकार कहने का हमारा अभिप्राय है। इसलिए बोलते हैं आपने जो कहा ये कथन आपका सही नहीं, पूर्ववादी हमारे इस अभिप्राय को नहीं समझ पाया। अब जो है श्लोकाक्षरे उत्तर, श्लोक में जो कारिकाकार ने जो श्लोक लिखा उसके अक्षर के द्वारा पूर्ववादी की शंका को उत्तर दे रहे हैं, ठीक है ना। श्लोक अक्षरे उत्तरम, श्लोक के अक्षरों के द्वारा पदों के द्वारा उत्तर को कहते हैं। सा न युक्ता आशंका, ये शंका करना युक्ति संगत नहीं है। सा न युक्ता, सा आशंका न युक्ता, सा आशंका न युक्ता, इसका शंका करना युक्ति संगत नहीं है, क्यों नहीं है तो उसको देखा कि चित्त काला ही अंतस्थ गए कालश्चर्य है ना, उसी को लेकर के यहाँ पे लिखते हैं टीकाकार जी की, बोलते हैं जब मनस्य अंतर मनरथ रूपा भावा स्थे चित्त काला भवंती इति अत्र चित्त कालत्तम विषदयति, ठीक है ना। वहाँ पे चित्त काल मतलब क्या है, जो केवल मात्र मन के अंदर ही दिखाई पड़ता है ना, इसलिए बोलते हैं जब मनसी अंतर मनोरथ रूपा, मन के अंदर और मनोरथ मतलब मन के द्वारा बनाया हुआ रथ के ऊपर चल करके उसको देखते हैं, मनोरथ मनोरथ रूपा भागा, मनोरथ रूपी जो भाव विद्यमान वस्तु कहते हैं वो चित्त काल केवल मात्र जिस समय आप देख रहे हैं उतना समय आपको दिखाई देता है। भवंती थी अत्र चित्त काल, इस प्रकार से चित्त काल में क्या अभिप्राय है उसको विस्तार से कहते हैं भगवान भाष्यकर विषदयति। अब देखिए चित्त काला ही ये अंतस्तु चित्त परिच्छिन्न, जो चित्त काल है वो अंदर ही विद्यमान रहता है और अंतर चित्त के द्वारा ही परिच्छिन्न है, चित्त के द्वारा परिच्छिन्न, चित्त अंदर रहते हैं और हमारी भावना के द्वारा परिच्छिन्न, चित्त काल ही ये अंतस्तु मतलब क्या हो गया चित्त परिच्छिन्न, चित्त के द्वारा परिच्छिन्न, यहाँ पे 3 नंबर चित्त कल्पना तक परिच्छिन्न चित्तम जो कल्पना अब तक परिच्छिन्न ही उसके द्वारा कल्पित हुआ जितना बिल्कुल तत् समकालीन, मतलब एक चित्त उसी काल में जितनी सारे वस्तु सभी वस्तु को लेकर बोलने आगे
कि चित्त काला बस जो बहुवचन है ना चित्त काला जे इसी नाते बहुवचन के तरह प्रयुक्त समकालीन नहीं उस एक इस काल समय में विद्यमान है तो जितना वस्तु उस वस्तु के अंदर चित्त परिच्छेदित होते हैं इति अच्छा वाच्यार्थम उक्त्वा विवक्षित अर्थम आह है ना श्लोक की जो पद है उस पद की जो वाच्यार्थ में सीधा सीधा जो अर्थ है पद से उसको कथन करके आप उसके द्वारा अभिप्रेत अर्थ क्या है उसको कहना चाहते हैं वाच्यार्थम उक्त्वा विवक्षित अर्थम आह वाच्यार्थ को जिस तत्तमसि महावाक्य में तत्तमसि ठीक है ना तुम हो ये वाच्यार्थ हो परंतु हमको तो लगता नहीं है कि मैं वो हूँ वो मतलब उस परम तत्व ये तो हमको लगता नहीं है अनुभव में नहीं आता तब जहाँ आपको वाच्यार्थ में जो अर्थ निकल रहा है वो अर्थ समझ में नहीं आता यानी कि श्रुति के कुछ और अभिप्राय होगा तब उसका लक्षण करते रहे उसके करते नहीं इसीलिए यहाँ पे ये बोलते हैं वाच्यार्थ जो कहा उसके अभिप्राय उतने मात्र में नहीं है उसके अंदर और कुछ अर्थ छुपा हुआ है उसको अभिप्राय अर्थ बोलते हैं वाच्यार्थम का विवक्षित अर्थम वाच्यार्थ को कथन करके अभिप्रेत अर्थ को अभी भाष्यकार कहना चाहते हैं विवक्षित अर्थम यहाँ पे देखिए न अन्न चित्त काल व्यतिरेक न परिच्छेदक काल जैसा चित्त काल मतलब जितना तक आप देखते हैं मन जितना तक उसको सोचते हैं उतना तक आपको दिखाई देता है मन जैसे आप नहीं देखा था वो वस्तु आपको नहीं दिखाई देता है ना अन्न चित्त काल व्यतिरेक चित्त काल को छोड़कर मन जब तक उसको छोड़कर के वो वस्तु का और कोई परिच्छेद का काल जैसा अन्न कोई का परिच्छेद करने वाला काल जिन लोगों का नहीं है उसको हो गया ते चित्त काला मतलब केवल मतलब जब आपने देखा तभी आपको सामने वो मन से जब देखा आँख मूंद करके जब देखा तब क्या हो गया तब वो वस्तु जो आपको दिखाई दे रहा है वो चित्त काल उसके भिन्न उसका कोई सत्ता नहीं है एक हो गया चित्त काल मतलब कल्प इसका अर्थ करते हैं कल्पना काले एवं उपलब्धन्ति इति अर्थ ठीक है ना ये होगा अभिप्रेत तात्पर्य का अर्थ ये हो गया जिस समय आप कल्पना करते हैं उस समय ही वो उपलब्ध होता है उस समय उपलब्ध होता है यदि वो जागृत कल्पना को से आप जब देखिए समाधि सुषुप्ति अवस्था में जागृत वस्तु है ना यदि ये पारमार्थिक सत्य वस्तु होता है मतलब जिस समय आप उसको नहीं देखना चाहते देखना बंद कर देते हैं उस समय उसका अस्तित्व तो आपके सामने कुछ भी नहीं है तो उसमें दिखाई देना चाहिए पर नहीं दिखाई देता इसे हम बोलते हैं कल्पना काल एवं उपलब्ध थे कल्पना काल में ही वो उपलब्ध होता है इतिहास हो गया जागृत काल अब जो हो गया आपका जागृत स्वप्न काल चित्तय काल भेद काल अन्योन्य परिचय वहाँ पे मूल में देखिए अपना द्वय काल सरे वही और बाहर दिखाई दे रहा है जो वस्तु उसका दो काल के द्वारा परिच्छेदित हो रहा है क्या क्या दो काल एक हो गया जिस समय देख रहे हैं वो काल और जिस समय नहीं देख रहे उस वो काल ये दो काल से बोलते हैं द्वय काल जो बाहर जो दिखाई पड़ता है वो दो काल वाले हैं और अंदर जो दिखाई पड़ता है एक समय वाले हैं एक काल वाले हैं ये द्वय काल का अर्थ कर दिया भेद काल मतलब जिस समय भेद काल मतलब क्या जिस समय आप जानते हैं उसके अतिरिक्त तो भी रहे वो हो गया भेद काल जिस समय आप जानते हैं उससे अतिरिक्त काल में भी रहे उसको बोलता मतलब भेद काल अवच्छेदक जैसा अंते भेद काला यदि इसको ये करेंगे समझ निकालेंगे तो बहुत बड़ी समस्या पे भेद काल एवं अवच्छेदक जैसा मतलब भिन्न भिन्न काल के द्वारा जो वस्तु अवच्छेदित होता है वो हो गया भेद काला भिन्न भिन्न काल के द्वारा होता है इसको बोलते हैं भेद काला इसलिए अन्योन अन्न अन्न परिच्छेद एक काल के द्वारा परिच्छिन्नित होगा कभी दूसरा काल के द्वारा भी परिच्छिन्नित होता है सात से दस नौ बजे तक भी दिखाई दे रहा है रात को दस से बारह बजे भी दिखाई दे रहा है अन्न काल के द्वारा परिच्छिन्नित होगा ये व्यवस्था इसलिए बोलते हैं दय काला का अर्थ होगा भेद काला भेद काला मतलब जिस समय में जानते हैं उससे अतिरिक्त में भी रहे ये हो गया भेद इसलिए बोलते हैं यहाँ पे भेद काल अवच्छेद का जैसा ते तथा ठीक है ना अब देखिए वहाँ पे बोलते हैं ये टीका में ये मनुष्य वही उपलभ्यन्ते ते भेद काला जो वस्तु मन से बाहर उपलब्ध होता है उसको बोलते हैं भेद काल मन से बाहर उपलब्ध कालस्य भेद भेद काल देखिए भेद काल मतलब क्या था काल का भिन्नता काल की भिन्नता मतलब जो इस समय दिखाई दे रहा है अन्य काल में भी अगर दिखाई दे वो हो गया भेद काल जो वस्तु एक एक समय दिखाई देता है दूसरे समय में भी दिखाई दे तो उसका बोलेंगे भेद काल और तीसरे बोलते हैं द्वय कालश्च भेद काल ये
मनसो बहिर उपलभ्यन्ते, जो वस्तु मन से बाहर उपलब्धि होते हैं ते भेद काला, वो वस्तु को भेद काल बोलते हैं। भेद काल जो ऊपर भाष्य का जो लिखा ना भेद काल, उसका अर्थ कर लिया। मतलब क्या हो गया, जिस समय आप जानते हैं उस अतिरिक्त तो समय में भी वो वस्तु नहीं, वो वस्तु रहते ही होती। इसलिए आपका मतलब भेद काल अवच्छेदक जैसा, अलग अलग दो काल के द्वारा अवच्छिन्नित होता है जो वस्तु, उसको बोलते हैं भेद काल। अब देखिए यहाँ पे टीकाकार और बोलते हैं कालस भेद, भेद काल, भेद कहाँ पे है, वस्तु में भिन्नता नहीं बोल रहा है, काल का भिन्नता है वस्तु। कालस भेद भेद काल स जेषां ते तथा, वो जिन वस्तु में जो भिन्न भिन्न काल में वस्तु दिखाई भेद पड़ते हैं उस वस्तु क्या हो गया, भेद काल दय काला, ऐसा करके बोला जाए तो वस्तुओं को जैसा इस प्रकार की दो काल में दिखाई देते हैं जो वस्तु ते तथा ते तथा मतलब ते भेद काला अथवा द्वय काला, वह मूल में है द्वय काला, द्वय काला का अर्थ करते हैं भेद काला, मतलब वो दो काल दिखाई देते हैं। तत्स्य अन्योन्य परिच्छेद हस्मय अन्योन्य परिच्छेद, मतलब अन्य अन्य काल के द्वारा परिच्छिन्नित होता है, अन्य अन्य काल के द्वारा परिच्छिन्नित होने योग्य वस्तु को यहाँ पे अन्योन्य परिच्छेद बोला। यहाँ पे इसी को इस शब्द का अर्थ करते हैं, देखिए टीकाकार ततश्च अन्येन पूर्वेन, है ना, ये अन्येन मतलब एक पहला काल के द्वारा, पूर्वेन मतलब पहला काल के द्वारा, और अन्येन च अपरेन और बाद वाले काल के द्वारा परिच्छेद, जो परिच्छिन्नित होता है मतलब अलग करके दिखाई पड़ता है। भिन्न काल अवच्छिन्नतेन, दो अलग अलग काल के द्वारा परिच्छिन्नित होने के कारण प्रत्यभिज्ञायमाना, वो दो अलग अलग काल में आपको दिखाई देते हैं। जिस वस्तु को मैं सुबह 7 बजे देखा था, रात को 9 बजे मैं उसी वस्तु को देखती, इस प्रकार से प्रत्यभिज्ञा होते हैं, इसलिए दो अलग अलग काल में दिखाई देते हैं। इति अर्थ, इसका भी प्रेत अर्थ है, किसका अर्थ हो गया ये ऊपर अन्योन्य परिच्छेद, यदि इसको ठीक से नहीं समझ घबराएंगे क्या बोल रहे हैं, तो जिसको देश परिच्छिन्न भी अन्य परिच्छिन्न होता है, काल परिच्छिन्न भी अन्य परिच्छिन्न होता है, वस्तु परिच्छिन्न भी अन्य परिच्छिन्न होता है। मतलब वस्तु परिच्छिन्न मतलब कि एक वस्तु दूसरे वस्तु को परिच्छिन्नित करता है, जहाँ पे टेबिल है वहाँ पे स्टैंड नहीं है, जहाँ पे स्टैंड है वहाँ पे टेबिल नहीं, एक दूसरे को अलग कर देते हैं, ठीक है ना। जिस काल में यहाँ पे टेबिल तो रात भर रहता है, मतलब ये वस्तु रात भर नहीं रहता है, केवल इस काल में सुबह के समय दिखाई पड़ते हैं ये दोनों वस्तु, ठीक है ना। एक काल के द्वारा भी परिच्छेद दो काल में दिखाई पड़ते हैं, और ये तो सब सुबह भी दिखाई पड़ता है, शाम को भी दिखाई पड़ता है, ये केवल एक काल में दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार वस्तु देश, देश में भी परिच्छिन्न होता है, मतलब कल सुबह भी देखा था आज सुबह भी दिखाई देता है उसी देश को। अच्छा, फिर इस देश में जो है दूसरा देश के द्वारा परिच्छिन्न होता है, जहाँ पे क्लास होता है वहाँ पे वो नहीं होता, क्लास नहीं होता, तो ये क्लास ये स्थान उस स्थान के द्वारा परिच्छिन्न होता है, उस स्थान इस स्थान के द्वारा परिच्छिन्न होता है, ये अलग अलग जगह है, अलग अलग करके जो दिखाई पड़ता है, ये इस अभिप्राय से बोला जाए, जो इस प्रकार अलग करके दिखाई देना संभव है वो सत्य वस्तु होना चाहिए, ऐसा पूर्ववादी का अभिप्राय। पंत वेदांती बोलते हैं अलग करके देखना तो हमारा स्वभाव बन गया जन्मांतर, वो तुम अपने संस्कार से भेद करके देख, वहाँ पे ना काल परिच्छिन्नता है, ना वस्तु परिच्छिन्नता है, ना देश परिच्छिन्नता है, शुद्ध एक होमोजेनियस सिवाय एक शुद्ध चेतन तत्व विद्यमान। काल की भी आपने कल्पना की, कोई क्रिया को संपादन करने के लिए काल की कल्पना की, और किसी काल को मापने के लिए आपने क्रिया करके दिखाई पड़ देता, फिर किसी एक दो क्रिया को एक साथ एक ही जगह पे नहीं किया जा सकता, इसलिए आपने दो स्थान की कल्पना है, इसलिए स्थान काल क्रिया इस कल्पित है, अनन्वासित है, इसलिए स्वतंत्र रूप से सिद्ध नहीं होता। अब देखिए यहाँ पे बोलते हैं ततश्च अन्येन पूर्वेन अन्येन च अपरेण परिच्छेद भिन्न काल अवच्छिन्नतेन, भिन्न भिन्न काल के द्वारा अवच्छिन्नित होने के कारण प्रत्यभिज्ञायमाना इति अर्थ, ये इसका अभिप्रेत अर्थ है। ये अलग अलग काल के द्वारा अवच्छिन्नित होते हैं। अब एक दृष्टांत दे रहे हैं काल अवच्छिन्नता को लेकर, ये शांत महात्मा में दिखाई पड़ता है। एक व्यक्ति किसी के घर में भिक्षा करने गया, परमात्मा तो भिक्षा करने गया तो वहाँ पे देख रहा है कि व्यक्ति, वो व्यक्ति अपने घर में गाय होते हैं तो गाय का दोहन कर, अब वो नारायण हरि बोला परंतु दिखाई दे रहा है कि वो व्यक्ति वहाँ पे काम कर रहा है, तो व्यक्ति को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, परंतु अथवा वो व्यक्ति बोलते हैं कि भाई थोड़ा इसको करते हैं आपको देते हैं, तो जब तक गाय दोहन करते हैं तब तक वो भिखारी मतलब संन्यास वहाँ पे खड़ा रहता है, ठीक है ना। आप मान लीजिए कि किसी के घर में आप गया, वहाँ पे गाय गोदोहन नहीं हो रहा, अथवा उसके पास गाय नहीं है,
तो आप नारायण हरि बोल करके इतना देर खड़ा रहेंगे? जब तक नहीं, जब तक वो देता नहीं है ये बात नहीं है। वो जितना पहले जमाने में घड़ी आते नहीं था, वो बोधहोम काल के लिए जितना समय आपने वहाँ पर इंतजार किया उतना समय मान के इतना समय इसके इतना अंदर दिया तो ठीक है, नहीं तो नारायण हरि ये दुष्ट है। ये जब तक हमको नहीं देगा राजा, जब तक नहीं देगा तब तक मैं बैठा रहूँगा, ये नहीं है, ये नहीं है। अब निर्दिष्ट समय आपको निर्दिष्ट समय तक ही रखना है। तो यहाँ पे जो समय की जो अभी परिच्छिन्नता दो जगह पे दिखाई पड़ रहा है ना, एक जगह पे जहाँ पे बोधन हो रहा था, एक जगह पे जहाँ पे बोधन नहीं हो रहा, परंतु मन में बैठा हुआ है कितना समय में वहाँ पर रुका था तो इतना ही समय। इसलिए पहले जमाने में महात्मा जितना देर तक रुका है मतलब ये इतना समय में बोधन हो, जिस समय घड़ी आदि के व्यवहार इतना नहीं हुआ था, सुनते थे समय देख करके, तो महात्मा के आवागमन समय देख करके निर्णय करते थे। ये जो काल परिच्छिन्न हो जाता मतलब काल के मेजरमेंट में आ जाता है उसको लेकर के देखिए बोल रहा है यहाँ पे। जैसे बोले जाएगा सुखदेव उससे ज्यादा टाइम नहीं रुकता, सुखदेव महाराज कोई भी जगह में उससे ज्यादा टाइम नहीं रुकता, वो में जितना जितना समय उतना ही वो दो। अब ये है कि इस भिक्षा के लिए सामान्य रूप से आप कितना देर तक रुकेंगे, फिर आवाज़ दिया दृश्य की रुकी है तो अलग बात आपको दिखाई दे रहा है, कोई काम कर रहे हैं तो बस, फिर भी उतना ही मतलब जितना गोधन में समय लगता है उतना ही समय आप। मन में आपका किसी जगह पे कभी जा करके आपने देखा वो व्यक्ति कोई काम कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं तो उस काम को करने में जितना समय आपने रुका वो संस्कार अपने बैठ गया, और दूसरे जगह पे जा करके उसका चाहे गाय दोहन कर रहा अथवा नहीं दोहन कर रहा, अथवा दूसरा कोई काम कर रहा है चाहे नहीं कर रहा, उसको सुना है अथवा नहीं सुना, आप कब तक रुकेंगे? जितना देर तक वो दोहन में आपको समय लगता है उतना समय का इससे अधिक नहीं होता। ये जो काल के द्वारा परिच्छिन्नित होने पर भी वो तो सत्य वस्तु ये बात नहीं है, परंतु दो विभाजन होता है, जहाँ तक हो गया वहाँ तक ये रुका, इसलिए बोलते हैं यथा गोदोहनम आ गोदोहनम आस्ते, मतलब जब तक गाय दोहन करता है तब तक वो सन्यासी अथवा भिखारी वहाँ पर खड़ा रहता है, जावत आस्ते ताबत गाम दोधी, अब उसके घर में जा करके जब तक कब तक खड़ा रहेगा वो, जब जितना समय उसको गोदोहन में लगता है, जितना समय गोदोहन में जावत आस्ते ताबत गाम दोधी, जावता गाम दुग्धि तावत अस्ति, जब तक गाय तो तब एक एक टाइम स्पेसिफाई हो गया, इससे अधिक आप नहीं कर सकते। तो ये आपका रोज प्रत्यभिक हो रहा है ना, काल में उस घर में इतना खराब हुआ था, आज उस घर में इतना ही खराब है ना। इस प्रकार ही कालात्मक व्यवहार करने के लिए जो हमारे अंदर चित्तकाल में बैठा हुआ है वो चित्तकाल में बैठा हुआ वस्तु बाहर व्यवहार में अभिव्यक्त हो रहा है। तो आप जो है जो आपका चित्तकाल में बैठा उसको दो बार आपने व्यवहार किया, इसका मतलब ये नहीं कि वो काल सत्य हो गया, व्यवहारिक काल है। एक काल को मतलब जितना टाइम पीरियड को आपने भीख मांगने के समय के लिए आपने लगाया काल को उतना ही किसी ने उसके घर में जा करके हो सकता है बोध नहीं हो रहा, आप गए वहाँ पे खड़े हुए कोई आपको अटेंशन नहीं देता हूँ उसके बाद आप चले, वो जो मन में संस्कार चित्त मन में संस्कार बैठा हुआ है इतना समय हमको भिक्षा के लिए रोकना है, इससे दिया तो ठीक है नहीं तो अन्य घर में जाना है। तो वो जो काल को आपका मन से बाहर आकर व्यवहार करने दिखाई देगा और उतना ही काल आपको बाहर भी दिखाई, काल पर दो अलग अलग काल के तरफ परिच्छित हुआ, ये इतना होने मात्र से वस्तु और काल सत्य हो गया ये नहीं बोल सकते हैं। काल भी कल्पित है, व्यवहार के लिए कल्पित है, काल व्यवहार के लिए काल की कल्पना की जाती है, नहीं मात्र पर किसी भी क्रिया के लिए, यदि आत्मा में कोई क्रिया नहीं है तो काल की आवश्यकता नहीं है, आत्मा में कोई देश नहीं है, आत्मा में कोई वस्तु नहीं है, देश परिच्छिन्नता नहीं है, कोई क्रिया संपद नहीं है, ये काल की आवश्यकता नहीं है। यथा आबोधोहनम आस्ते जावत आस्ते तावत गाम दुग्धि, जावत गाम दुग्धि तावत आस्ते, केवल इतना ही नहीं देखिए वस्तु को आस्ते आप विद्यमान रहते हैं बैठता है तो इंतजार करते हैं सत्य मानते हैं आस्ते तावान अयम एतावान स है ना, तावान अयम ये वस्तु इतना है और वो इतना ही, ये वस्तु परिच्छिन्न करता है, ये देखें तावान अयम एतावान सब इतना परिमाण वो है इतना परिमाण ये वस्तु है, इस प्रकार से भिन्न भिन्न करते हैं वस्तु परिच्छिन्नता इति परस्पर परिच्छिद परिच्छेदकत्वम बाह्यानां भेदानां, ये वस्तु है ये टेबिल इतना बड़ा है इस टाइम इतना छोटा है, तावान अयम एतावान सब ये जो है ये वस्तु परिच्छिन्नता है, वस्तु परिच्छिन्नता एक दूसरे को इसके ऊपर ये नहीं रह सकता, ये वस्तु यहाँ पे यहाँ नहीं रहेगा, ये वस्तु यहाँ पे यहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक है ना, वस्तु परिच्छिन्नता हुआ, परंतु आप आत्मा इसके द्वारा परिच्छिन्नित हुआ कि नहीं हुआ, आकाश इसके द्वारा परिच्छिन्नित हुआ कि नहीं हुआ,
नहीं मानी, आकाश से विश्व क्षोभ की ये उसकी तरह परिचय। इसीलिए आप वहाँ समझाने के लिए ताबा अयो एतावत परस्पर परिच्छेद्य परिच्छेद टुकड़ा होने वाला, एक टुकड़ा करने वाला, ठीक है ना। जब हम इसके सापेक्ष में बोलेंगे इसने इसको अलग कर दिया, और जब इसके सापेक्ष में बोलेंगे ये इसको अलग कर दे, इस प्रकार से है परस्पर सापेक्ष रूप में इसका इस प्रकार से शब्द प्रयोग होता है। परस्पर परिच्छेद परिच्छेदगतम बाह्याना भेदाना ते द्वय काला, जो बाहरी वस्तु दिखाई पड़ता है वो इस प्रकार से परिच्छिन्नित होता है। बाहरी वस्तु देश परिच्छिन्नता, वस्तु परिच्छिन्नता, काल परिच्छिन्नता, ये बाहरी वस्तु में रहता है इसलिए उसको द्वय काला बोला गया है। परंतु बाहर ये देश परिच्छिन्नता, काल परिच्छिन्नता, यही जो है मिथ्यात्व के लिए हेतु बंधन है। जो परिच्छिन्न वस्तु होता है वो मिथ्या होता है, जो पूर्ण होता है व्यापक होता है वही एकमात्र सत्य वस्तु है। वेदांत क्षेत्र है, वेदांत निश्चय ध्यान रखना, अलग अलग वादियों का अलग अलग मत हो सकता है, परंतु वेदांतिक निश्चय ये। देखो इसके टीकाकार इसको समझा रहे, इस भक्ति को टीकाकार समझा रहे। प्रत्यभिज्ञायमानत्वं उदाहरण निष्ठतया स्फुटयति, ये जब हमको उस काल का स्मरण आ रहा है, प्रत्यभिज्ञा हो रहा है, प्रत्यभिज्ञाय प्रत्यभिज्ञायमानत्वं मतलब उसी का प्रत्यभिज्ञा हो रहा है, एक उदाहरण के द्वारा उदाहरण निष्ठतया एक उदाहरण की माध्यम बना करके स्पष्ट करके समझाते हैं भगवान आश्रम। अब उदाहरण क्या देंगे, जैसे महात्मा में पहले होता था वैसे उदाहरण दिया, ऐसे आपको किसी घर में भिक्षा के लिए गया, पहले का पहले जमाने में घर में गाय होते थे, तो अचानक क्या हुआ कि व्यक्ति उस समय गाय दोहन कर रहा था, कुछ रोकना पड़ेगा भिखारी का, तो हमारा ये हमको जल्दी तो ऐसा कहने का अधिकार नहीं है, नारायण हरि बोल करके कब तक रोकेंगे, जब तक नहीं देगा तब तक ये नहीं, उसका दीक्षा इसको मन में रखते बोलते हैं कि गो दोहन पर्यंतम आस्ते, जब तक गाय दोहन पूरा नहीं हो जाता तब तक वो व्यक्ति वहाँ खड़ा रहता है, देवदत्त तिष्ठति है ना, देवदत्त नामक व्यक्ति वहाँ पे स्थिर रहता विद्यमान रहता है। यहाँ पर जब देवदत्त यज्ञदत्त सोमदत्त यही सब नाम के गो दोहन पर्यंतम आस्ते, इसका अर्थ करते हैं देवदत्त तिष्ठति, लास्ट शब्द का अर्थ करते तिष्ठति वहाँ विद्यमान रहता ही थी। प्रत्यभिज्ञा शिष्यत्व अभिज्ञा उदाहरणीय, ये प्रत्यभिज्ञा के अंग रूप में जैसे जितना आपने समझ लिया था क्या इतना गाय धोन के लिए समय लगते हैं अथवा उतना समय लगा रहे हैं तो मन में रख करके वहाँ पे समझना चाहिए, उदाहरण में समझना चाहिए। यहाँ पे देखिए दो नंबर टिप्पणी भी है, ठीक है, एक नंबर टिप्पणी कहीं दिखाई देगा, अन्योन्य परिच्छेद अनन्य परिच्छेद, ठीक है ना, टिप्पणी कहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक ना बस अन्योन्य परिच्छेद एक अन्योन्य परिच्छेद दत्तम, एक संख्या कहाँ लिखा है मूल में, नहीं लिखा है, सेकंड लाइन ऊपर है ना, एक काला अन्योन्य परिच्छेद वहाँ होना चाहिए, ये एक अन्योन्य परिच्छेद भेद काल भाष्य काल में भेद काल अन्योन्य परिच्छेद वहाँ पे एक नंबर टिप्पणी दिखाई दे रही है है ना। परंतु यहाँ पे टिप्पणी में जब प्रतीक दिखाई दे रहा है अन्योन्य परिच्छेदत्वम लिखा हुआ है, ठीक है ना, परंतु ये पंक्ति कहीं पर हमको मिला नहीं, परस्पर परिच्छेदकत्वम तो दिखाई दे रहा है, परिच्छेदत्वम नहीं दिखाई दे रहा है, वहीं पे होना चाहिए हमको लगता है, अन्योन्य परिच्छेद उसमें धर्म को लेकर के बोल रहे हैं। ये टीका का है या भाष्य का, भाष्य में जहाँ पे सेकेंड लाइन में लेफ्ट हैंड कॉर्नर में देखिए दयकालस्य भेदकाला अन्योन्य परिच्छेद्य, अनन्य परिच्छेद तब क्या वस्तु है उसको कह रहे हैं, अनन्य परिच्छेद बोलो क्या वस्तु उसका टिप्पणी का बोल रहे हैं, ठीक है। देखिए एक नंबर टिप्पणी वहीं पर मान करके चलिए फिर देखेंगे, कल्पितत्व ही यदा कल्पना तदा आस्ते दोग्धीवा, कल्पित होते हुए भी जिस प्रकार आप कल्पना किया, ज्यादा कल्पना जिस समय मेरे को भिक्षा चाहिए मन में आपने बैठा है अथवा काम कर रही भी कल्पना है, तदा आस्ते दो जीवा उस समय बैठा है अथवा वो दुबल करता है, कल्पना ही है वा इस प्रकार से यहाँ पे मानना है, न तो आसन दो हो मिथो अवच्छेदत्वादि भाव कि आसन दोहन को और दोहन और आसन को अवच्छेद का ये बात नहीं है, आसन मतलब बैठना इंतजार करना, दोहन मतलब गाय दोहन,
गाय धोना आसन को परिचिन्न कर रहा अथवा आसन गाय धोन को परिचिन्न, ये बात नहीं है। काल को दृष्टि से आप समझ लें, काल के दर्शन नहीं मिलेगा था, नहीं मिलेगा। जो है आप यहाँ पे आप कर सकते हैं, मैं दोनों जगह पे देखा कि अन्न पर वहाँ पे अनन्य नहीं मिल रहा, दोनों मिल करके अर्थ पूरा आ रहा है। इसलिए टिप्पणी का हम देख लेते हैं पूरा, फिर आप दोनों मिल करके जहाँ पे लगाएंगे कल्पित थे, किसी पुराने पुस्तक में कहें संकलित लिख दिया, इसको नहीं लिखा, यानी कि यदि किसी पे एक अर्थ संशोधित किया हुआ होगा ना पुराना पुस्तक, बल्कि ये नहीं किया संशोधन। दाई देव से अपना आसन दो होना योर मित्र मित्र अवच्छेदत्वादि भाव से न च सहकल्पित तत्वादेव तथा मित्र सप्तम कल्प हेतु। एक पहला पेज का जो भाष्य है उसका सेकंड लाइन में पूरा देखो, भाषा अन्नो अन्नो परिच्छेद बाह्यानाम अन्योन्य परिच्छेद इति, यहां पे सब मंत्र सब इस चीज पर है, यहां पे मानना पड़ेगा, यहां से अन्न वहां पे जाना पड़ेगा, यहां से गलती से चला गया। ये बोला दशमा चित्त परिकल्पिते मनोरथादि लक्षणे चित्त परिच्छेदे वैलक्षण्यम बाह्यानाम अन्योन्य परिच्छेदत्वम इति, ठीक है ना। देखो उसी को लेकर अन्योन्य परिच्छेदत्वम इति, हाँ वहाँ पे तो बोधमन आदि अथवा उसको समझाने के लिए यहाँ तक आना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ तक आ करके मन में उसको रखी और उसको समझाने के लिए पंक्ति है भाष्यकार की, ये पंक्ति उसी को समझाने के लिए टिप्पणी कर उसको स्पष्टीकरण दे। कल्पितत्व ही जदा कल्पना तदा आस्ते, कल्पितत्व होने का जब तक आप कल्पना करेंगे तब तक वो रहता है, दुख जीवा जिस समय हमारा मन सोचता है उसके मतलब उसको देखते हैं, इति दुख जीवा इति एवं शब्द इस प्रकार मानना, न तो आसन दोहनयोर मित्र अवच्छेदत्वादि भाव, इंतजार करना दोहन करना एक दूसरे को परिचय, ये बात नहीं है। काल को लेकर यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ पे क्रिया को लेकर के नियुक्ति भाव शब्द, न च सहकल्पितत्वाद एवं तथा तम सक्कम कल्पित, एक ही साथ आपने कल्पना किया, एक क्या कल्पना किया, मैं इंतजार कर रहा हूँ वो दो रहा, दो कल्पना एक साथ हो रहा है मन में, अपने शुद्ध आत्मा के ऊपर दो कल्पना एक साथ हो रहा है, एक कल्पना क्या है मैं इंतजार कर रहा हूँ, उसका कल्पना क्या है वो काम दो रहा, इस प्रकार होने पर क्या हो गया, कोई एक दूसरे का अवच्छेदक हो गया, ऐसी बात नहीं है। ये काल की दृष्टि से यहाँ पर समझना है, जिसके बोलता है कि न च सहकारी सहकल्पित तथार्थम, मतलब वो यथार्थ है सत्कम कल्प हेतु तथा सती जदा कल्पना तथा उभय इति अस्य एव न्यायत्व, जितना देर तक आप कल्पना करोगे उतना देर तक आपके सामने वस्तु रहेगा, एक और दो बजे से भी तथा सती जदा कल्पना तदा उभय इति अस्य एव न्याय, इसी को युक्ति संगत होने के कारण इति अभिप्राय, इसके अंदर अभिप्राय मतलब कल्पितत्व रूपी धर्म दोनों जगह पर समान है। अधिष्ठान एक है जिसके ऊपर कोई वस्तु होना संभव नहीं है, उसने मैं सन्यासी हूँ और मैं भिक्षा करना मेरा अधिकार, ये सब कल्पना करके मैं भिक्षा के लिए जाता हूँ, किसी घर में जा करके देखता हूँ कोई व्यक्ति का गौरव करता हूँ, वहाँ भी शुद्ध चेतन ही विद्यमान है परंतु हमने वहाँ पर गौरव की कल्पना जो हमको दिखाई पड़ता है लोग वो भी कल्पित ही है सोचते तथा सती ज्यादा कल्पना तथा उभय, जिस समय कल्पना करते उस समय दोनों आपको दिखाई देता है, अस्य एव न्यायत्वम् इति वहाँ पे समझना युक्ति संगत है, यदि अभिप्राय दो काल में दिखाई दिया अथवा एक ही वस्तु दो जगह पे जा करके आपने देखा इसका मतलब वो वस्तु सत्य होगा, ये बात नहीं है, क्योंकि दृश्यत्व धर्म अथवा कल्पितत्व धर्म दोनों जगह समान है, ये अभिप्राय संस्कार जन्यत्व धर्म समान है, ये अभिप्राय। दो नंबर टिप्पणी इति मतलब इति एष इति अर्थ बस यही जो देवदत्त तिष्ठते इति एष प्रत्यभिज्ञा, जो प्रत्यभिज्ञा होता है एष प्रत्यभिज्ञा शिष्यत्व स्कंद के रूप में अभिज्ञा उदाहरणीय, ये जो आपका अनुभव उसको उदाहरण के रूप में समझना चाहिए। आगे फिर टीका जावता कालेन अवच्छिन्न वर्तते तावता कालेन अवच्छिन्न बोधमन निवर्तयति इति, अनेक काल अवस्थायित्वेन प्रत्यभिज्ञा विषयत्वं तस्य दर्शयति, है ना। जावता कालेन अवच्छिन्न जितना समय तक जितना काल के द्वारा अवच्छिन्नित होकर के वहाँ पे रहता है कौन, सन्यासी अथवा भिखारी,
जितना समय तक वो रहता है वहाँ पे, यावता कालेन अवच्छिन्न वर्तते तावता कालेन अवच्छिन्न गोधमन, उतना काल के द्वारा वो गोधमन निवर्तन होता है। कहीं पे चाहे गोधमन हो चाहे ना हो, ये वो उसका मन में बैठा हुआ है, मैं वहाँ पे गया था इतना देर तक हमने इंतजार किया, तो आप गुरु जी ने भी बोल दिया कि भाई इससे अधिक नहीं, कल इतना समय लगा है, आज नहीं मिला इसीलिए मैं और कोई, ये समझ नहीं, सन्यासी का नियम है, क्या नियम है, एक घर में पांच घर में जाएगा और नारायण हरि बोलेगा, थोड़ा रुकेगा, रुकने के बाद नहीं मिला तो चलाएगा, मिला तो उसको लेकर आए, कितने मात्र है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि यावता कालीन अवच्छिन्न वर्त, जितना काल के समय वो वहाँ पे टिका रहता है, तावता कालीन अवच्छिन्न गोदोहनम निवर्तते, उतने काल के द्वारा अवच्छिन्नित काल में, उतना अवच्छिन्नित काल में गोदोहन संपादन होता है। इति अनेक काल अवस्थाई तेन, अब क्या हो गया कि आप इस प्रकार से एक जगह पे ऐसा किया, दूसरी जगह पे भी ऐसा हुआ, अनेक काल में उस जगह पे आपने गया परंतु वो काल प्रत्यय भी गई, वहाँ पे मैंने इतना समय रुका था, यहाँ भी हमको उतना समय रुका, इस प्रकार से जो उस समय का प्रत्यय भी क्या हो रहा है, अनेक काल अवस्थाई तेना प्रत्यय विज्ञा विषयत्म तस्य दर्शयति, वो प्रत्यय विज्ञा के विषय उसको दिखाते हैं, क्या बोलते हैं कि जावता आस्ते तावत गाम रोधी, जावत गाम रोधी तावत आस्ते, ठीक है, भाष्यवती जो है इसका अर्थ लिखते हैं, जावता कालेन अयम घटो, जावता कालेन अयम घटो अर्थ क्रिया निवर्त, जो कल में बताया था कि बौद्ध लोग किसी वस्तु की स्थायित्व कहाँ तक कब तक मानते हैं, क्षण, एक क्षण मानते हैं, न्याय वैशेषिक तीन क्षण मानते हैं, उत्पत्ति स्थिति लयकर, और वेदांती मानते हैं जस अर्थ क्रिया व्यक्ति जब तक चलता है, अर्थ क्रिया का जब तक होता है जब तक आपका प्रत्यय भी होता है, इसको लेकर के बड़ा आप मृत्यु कब मानोगे, आप किसी व्यक्ति मर गया, उस व्यक्ति मर गया कब मानोगे, नहीं एक समस्या है, आप बोलेंगे जब आपका हार्ट बीट बंद हो गया, ठीक है ना, व्यक्ति मर गया और फिर एक नया पंपिंग करके हार्ट लगा देते हैं, सब करते हैं और फिर जो है वो शुरू, तो मरना वो नहीं है, इसलिए वेदांतिक सिद्धांत के अनुसार मरना वो है जब तक आपको अपना प्रत्यय क्या हो रहा है तब तक आप जीने, जिससे वो प्रत्यय बंद हो गया तो एक इवन कर मृत्यु नहीं बोलते हैं, पर उससे जगने के बाद तो आपको लगता है चाहे सेंसलेस हम हो गया, परंतु हम उसके बाद जग करके वही मैं हूँ जो कुछ देर के लिए कुछ समझ नहीं पा रहा, मिलता व्यक्ति बोलता है अभी तक मैं कुछ नहीं समझ रहा, वो चिंता है, अर्थ क्रियाकारिता जब तक चिंता होता है तब तक वो जीवित है, जब तक वो अपने को नहीं प्रत्यभिज्ञ बंद हो जाता है तब वो जीवित है, तब वो जीवित है, चाहे हार्ट चले चाहे ना चले, इस वेदांतिक सिद्धांत के ये बोलते हैं जागता कालीन घटो अर्थक्रिया निवर्तन शक्नोति, जितना तक घट जो है अपने अर्थक्रिया का संपादन करता है प्रयोजनीयता को सिद्ध करता है उतना काल तक हम मानते हैं कि वो व्यक्ति वस्तु है वह व्यक्ति है, जागता जितना कालीन घटो अर्थक्रिया निवर्त तावता कालीन अवच्छिन्न उतने काल के द्वारा परिच्छिन्न होकर अवच्छिन्न सन ईश तिष्ठति वो विद्यमान रहता है, उसके विद्यमान देखिए उदाहरण अंतर हम जिसको मन में रखते एक दूसरा उदाहरण देता है तावान अयम एतावान स इति परस्पर परिच्छेद परिच्छेदकत्व बाह्याना भेदाना ते द्वयकाला, ये इतना ही है, द्वयकाल हो सकता है तीन काल हो सकता है, जब तक किसी वस्तु का उस रूप में प्रत्यभिज्ञान हो रहा है ठीक है उस वस्तु के एकता सिद्ध हो रहा है वो वस्तु है, परंतु इतना मात्र से वस्तु सत्य है ये कैसे अपने निश्चय कि वस्तु सत्य हो गया निश्चय तो निश्चय नहीं होता, पेट कुछ 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 देर के लिए प्रयोजन था परंतु वही वस्तु में कुछ जीवनता आ जाए तो आपका प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा तब आप उसको मिथ्या ही मानना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि घटो अर्थ जावता कालीन जितना समय तक घटो अर्थ क्रिया निवर्तित शक्नोति, कोई भी वस्तु अपने ये अर्थ क्रिया प्रयोजनीयता को सिद्ध कर सकते हैं तावता कालीन अवच्छिन्न सन उतना काल के द्वारा अवच्छिन्नित होकर के ऐसा निष्ठ के उस विद्यमान रहता है, इति उदाहरण इसको एक दूसरा उदाहरण की तरह बोलते हैं, देखो ना ये वस्तु की लाइफ हो गया 5 साल, इसका लाइफ हो गया 7 साल, इसके सापेक्ष में बोलते हैं 5-7 को इसको लेकर के यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जितना समय तक हम इसको प्रयोजन सिद्ध करते तब तक उसका जीवन है, मतलब इतना मात्र से व्यवहारिक प्रयोजन सिद्ध हो रहा है इतना मात्र से वस्तु सत्य हो जाएगा ये कैसे अपने निर्णय कर सकते हैं, पर हाँ ये बोल सकते हैं कि व्यवहारिक सत्य है इतना बोल सकते हैं, पारमार्थिक सत्य तो नहीं आता,
इस अभिप्राय से आगे बोलते हैं इष्टितावान अयोग्य तावान सहिति परस्पर परिच्छेद परिच्छेद गतम। ये दो साल जीवन वाला है, तीन साल जीवन वाला, इस प्रकार से एक दूसरे का काल की दृष्टि को परिच्छित हो जाता है। परोक्षतया टीका में फिर परोक्षतया स्थित जागता कालेन अवच्छिन्न सकार्य निवर्त निर्वर्त्य निर्विनोति एतावता कालेन अवच्छिन्न स तिष्ठति इति अपरम उदाहरणम आह एतावान स परोक्षतया मतलब दैट वो इतना समय था। परोक्षतया स्थित हमने नहीं देखा, दूसरे का वहाँ पे है ठीक है। जावता कालेन अवच्छिन्न जितना समय तक रह करके स कार्य निर्वर्त अपने कार्य को संपादन करते हुए विद्यमान है निर्विनोति एतावता कालेन अवच्छिन्न स इतना समय तक वो वस्तु वहाँ में रहा, वो काल की वो व्यवहार में जो रहा, इस प्रकार जो कहते हैं कन अवच्छिन्न स तिष्ठति अपरम उदाहरण अभी एक दूसरा उदाहरण। कोई वस्तु थोड़ा लंबा समय तक काम कर रहा है, कोई वस्तु थोड़ा कम समय तक काम कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं इससे उसके अंदर सत्यत्व धर्म आ जाए। ये तो हमको दिखाई पड़ता है काल परिच्छिन्न वस्तु परिच्छिन्नता से वस्तु में सत्यत्व सिद्ध नहीं है। तावान अयम एतावान सहित परस्पर परिच्छिन्न परिच्छेद गतगतम भाइयाना भेदाना परेण अपरेण च कालेन परिच्छेद तब जागृत दिशाना भावाना उपलभ्यते कालद्वयस्य च परिच्छेदकत्वम्। इस प्रकार युक्ति के द्वारा तो सापेक्षी एक दृष्टि के सापेक्ष में अधिक समय दिखाई पड़ता है अथवा उसके सापेक्ष में काल मुख संपादन करते हैं। इस युक्ति के द्वारा परेण अपरेण च कालेन मतलब एक पहला काल एक बात का था, परेण अपरेण च कालेन परिच्छेदत्व मतलब जागृत वस्तु को दिखाई देता है काल के द्वारा परिच्छिन्नित किया जाए। जागृत दृश्यानाम जागृत दृश्यानाम भावानाम जागृत में दिखाई दे रहा विद्यमान वस्तुओं का जो उपलब्ध होते उपलब्धते इसलिए उसका कालोदय से जब परिच्छेदत्व वो जो है कालोदय के द्वारा परिच्छेदत्व धर्म मान जाता है, कालोदय का परिच्छेद हो जाता तथा चे सर्वे भाव बहिर्दृश्यमान द्वय कालेन कालद्वयेन परिच्छिन्ना भवन्ति। इस प्रकार से बाहर दिखाई दे रहा है जो भी कोई ते सर्वे भावा बहिर्दृश्यमान जो भी कोई भाव वस्तु बाहर दिखाई पड़ते हैं इंद्रियों के द्वारा द्वय कालेन कालद्वयेन मतलब अभी जिस समय मन से था उस समय भी देखा और मन को छोड़ करके मतलब बाहर जब आ गया उस काल में भी वस्तु दिखाई पड़ता है, अन्य समय में भी दिखाई पड़ सकते हैं। तथा चे सर्वे भावा बाह्य दृश्यमाना बाहर में दिखाई दे रहा है द्वय कारण दो प्रकार की काल के द्वारा काल द्वयन परिच्छिन्नता भवन्ति मतलब प्रत्यभिज्ञा काल में भी रहता है। कभी प्राय इतना ही मात्र है एक वस्तु की प्रत्यभिज्ञा उस प्रकार से नहीं होती, बाहर वस्तु की दूसरे काल में प्रत्यभिज्ञा होती है उसी प्रकार से नहीं है, इसलिए वो वस्तु सत्य है ये आपको कहना चाहिए। पूर्ववाद ये कहना चाहिए हम तो बोलते हैं कि इतना मात्र से वस्तु में सत्यत्व धर्म नहीं होता, ये सिद्धांत पक्ष का उत्तर है। अब जब तृतीय पाठ कर रहे तृतीय पाठ में क्या था कल्पिता एवं दृश्य चाहे आपको एक काल में दिखाई दे चाहे आपको दो काल में दिखाई दे, मैं कितना बार बोला इस चीज़ को चाहे हम लोग मान लीजिए दो तीन साल से एक ही पठन पाठन लगातार यहाँ पे कर रहे हैं इसलिए पठन पाठन सुनते हैं बुरी समझ ये भी अज्ञात है नहीं, जब तक अज्ञान है तब तक ये चल रहा है मतलब सत्य ये बात नहीं है। अज्ञान नहीं मिथ्या हमें अभी तक वेदांत की डिग्री मतलब वेदांत भेड़िया सुनने पर भी हमारे दिन का जागृत नहीं हो रहा है इसलिए हमको सत्य जैसा लग रहा है, परंतु जागृत होने पर ही आप निश्चय कर लेंगे कि यहाँ पे भी पारमार्थिक सत्य लंबा समय तक चल रहा है कि अनादि अनिर्वचनीय अविद्या अनादिकाल से हमको घेर रहा है उसका संस्कार बना हुआ है इतना जल्दी नहीं करना चाहते इतना मतलब वो सत्य हो गया ये नहीं कह सकते। इसलिए बोलते हैं कि तेज सर्वे भावा बहिर्दृश्यमाना द्वय कालीन कालद्वयन परिच्छेद भवन्ति इति अर्थ तृतीय पादम वैतिष्ठ अंतर तृतीय पद में अंत चित्त काल बाह्यश्च द्वयकाल अंतर जो विद्यमान है वो केवल चित्त काल कल्पिता एवं ते सर्वे हैं कल्पिता एवं ते सर्वे बोलते इसके प्रतीक मान लेंगे अंत में बोलना है न बाह्य द्वयकाल विशेष कल्पितत्व व्यति नहीं कहना अन्य हेतु का ये अंत अंत मतलब क्या हो जाएगा चित्त काल और बाह्य मतलब क्या हो जाएगा द्वयकाल अंत मतलब केवल चित्त काल मन में जब प्रत्येक होता है और बाह्य वस्तु कहेगा दो काल जब मन में था वो भी देखा और बाहरी जब आपको दिखाई दे रहा है अथवा अन्य अन्य भिन्न भिन्न समय में दिखाई पड़ता है ये परंतु दोनों अवस्था में कल्पिता एवं ते सर्वे है ना दोनों में कल्पित है
अभ्य चतुर्थ पाद अर्थ चतुर्थ पादार्थ आह न बाह्य दय कालत्व विशेष कल्पितत्व व्यक्ति नहीं कहना मात्र वहाँ पे लास्ट पार्ट में क्या था विशेष का मात्र हेतु का वहाँ पे जो मुझे आपको विशेष दिखाई देता है कल्पितत्व के बिना दूसरा कोई हेतु नहीं सत्य है इसीलिए विशेष दिखाई देती है ये बात नहीं कल्पितत्व ही बैठा हुआ जो बोलता है चतुर्थ पाद मान न बाह्य दय कालत्व विशेष बाहरी वस्तु में जो दो कालत्व रूप विशेषता दिखाई पड़ रहा है कल्पितत्व व्यतिरेक अन्य हेतु का न भवति ये कल्पितत्व से भिन्न करके दूसरा कोई हेतु मतलब सत्यम तत्व ये बोलेगा ये हेतु वहाँ पे नहीं ये नहीं हो सकता इसलिए बोलते हैं बाह्य दय कालत्व विशेष बाहरी वस्तु दो काल के द्वारा विशेषित होता है उसमें कल्पितत्व व्यतिरेक न अन्य हेतु का नष्ट कल्पितत्व से भिन्न करके कोई दूसरा हेतु वहाँ पे है ही नहीं न अन्य हेतु का ये यहाँ पे बोलते देखिए समझा रहे बाह्य जागृत दृश्येषु बाह्य पदार्थेषु व्यवस्थित द्वय कालत्वेन कालद्वय अवच्छेद कालद्वय वहाँ पे क्या लिखा है अवच्छेदेन कालद्वयेन अवच्छेदेन अब एक आकार की मात्रा चाहिए है आकार की मात्रा नहीं आकार की मात्रा चाहिए कालद्वय अवच्छेदेन लिखा एक आकार की मात्रा कालद्वय अवच्छेदेन विशेष न अन्य हेतु विशेषता के कारण नहीं है वो कल्पित वहाँ पे एकमात्र कारण है विशेष न अन्य हेतु वो दुष्ट हेतु वाला होकर होने के कारण मतलब सत्यत्व रूपी हेतु वाला होने के कारण हमें प्रत्यभिज्ञा होता है ऐसी बात नहीं शुभित जल निधे वेदनाहोरे समुद्री कारुण्यादुद्धारामृतमिदमरे दुर्लभं भूतहेतो यस्संपूज्यामि पूज्यं परमगुरुम्।